बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदाई है, पिता संत राम जी महाराज आपकी सदाई है। पेपले तेरे बेच लाल लाल गंढ खोलने दा तैनु ढंग नहीं, वो के फिरे कंगाल ना कुछ पल पले तायो जीवन विच उमंग नहीं। जन्म जन्म दी चित ते मैल बैठी तायों आम दा नाम दा रंग नहीं। संत दास ना खोल के गंड डिठी मोया दिवे गंड। ओम पिता संत राम जी महाराज की सदाई है। ऐसा मतलब ऐसा सुंदर जीवन, ऐसा दरबार लांबड़ा साध उथे औरा जेड़ा है ना, क्योंकि तप पहना कीता है उथे, तप पहना होया है और हले तक तप चल रहा है। पता माता बापू हर भगवान जी महाराज हमेशा इन्हां दी बाणी दे विच पढ़दे हुंदे सी। सरला मासी कोई होर गल तुहानू नाल याद आवे तां दस्सिओ। ओ इह है वी पले ते आपणे पले च लाल बंदे ने गंढ खोलण दा वाल नहीं, आपां नूं ढंग नहीं हैगा, अंदर ही सारा कुछ है। जन्मां जन्मां दी मैल बैठी ना तां मैं आताई आउंदा नाम दा रंग नहीं है। संत दास ना खोल के गंढ डिठी डिठी मोया दीवे ते वांग पतंग नहीं, क्योंकि उत्ते जन्म पैदा एकदम मतवाला होना पैदा, मस्ताना होना पैदा, जिवें शमा हो जाते शमा दे उत्ते परवाना हो जाता है ना, इस तरह होना पैदा। ता ही लिखे महाराज जी ने कि वीर लागत कोई इस हीरे दा मर के चढ़े चबारे हट खुल गया ओम शहनशाह सौदा लैन गे नसीबा वाले करमा वाले ओम शहनशाह। वाह वो माता जी दा ऐसिया यादा ने। और पता है की कहने हुंदे सी साडे ते ऐसी कृपा देखो, कहंदे सी मैं कहा महाराज जी इत्थे आ के बड़ा मन बड़ा लगता है, इस तरह लगता है भी आप इथो जाइए ही ना है। एक बार शुद्ध प्रकाश ने छोटे भाई ने गल की सी, तुहानू पता है मां मंत करनैल सिंह जी महाराज नूं, उहदा इन्ना मन लगदा सी उत्थे, कहिंदा वी हुण कहिंदा मैनूं उहदी दो बेटियां सी उदों, हजे बेटा नहीं सी होया, कहिंदा शायद महाराज ने मैनूं तां ही दित्तियां वी मैं जल्दी आजाद हो के इत्थे रह। माता लोक कहिंदा महाराज जी मेरा मन कर रहा मैं इत्थे ही रह जा, कहिंदा नहीं नहीं हजे तुसीं बड़ी जिम्मेवारियां संभालनियां ने, फिर बाद विच समां गुआएगा तां फिर देखांगे। कहिंदा सो ऐसा उत्थे मन मतलब के तुहाडा विराग दे प्यार दे नाल ऐसा भर जांदा, क्योंकि तप पैना है। और हुण वी मैं तुहानूं दसां बापू अमरजीत सिंह जी महाराज नूं मैं एक दिन देखिया। बापू हर भगवान जी बड़ी तारीफ करदे सी, कहिंदे सी देखो छे महीनिआं दे विच इन्नी ह्यूज बिल्डिंग, इन्ना वड्डा हाल, तुसीं हुण जे गए हो जिहड़े जिहड़े जांदे ने उत्थे दरबार लांबड़ा साहिब, उहनां संगतां ने देखे होने उपर नीचे बहुत वे हॉल सेम साइज के हॉल बनाए ने। उन्होंने उत्थे की महाराज बड़े खुश होते जी, बड़ा असि गल करते होंगे जी महाराज बापू हर भगवान जी भी ये दोवें भरा ज्यादातर ये जुड़े ना दरबार की मतलब अगों वधाण वास्ते सारा परिवार जुड़िया है। पर वो एस डी ओ साहब से महाराज की गल करते तो और दसा इन्हों महाराज जी साहब हूँ मैं एक दिन गया है मासी जी संगत जी, मैं एक दिन गया तो बापू अमरजीत सिंह जी महाराज, मैं एवं नहीं कह तपस्वी भारी उन्होंने मैं नाम लिखे,
इन्होंने इन्हों माता जी शुरू तो ही नाल लै जाते तुम पता माता शांति स्वरूप जी महाराज जिथे जाते ना अबोर जाना कि बहर जाना है संगत कित भी कोई फंक्शन जाना इन्होंने लै जाते हालांकि इन्होंने व्डे भाई साहब गुरदास राम जी महाराज सारा तो व्डे मिलनी तो उन्होंने गद्दी लेकिन इन्होंने इन्हों पता से भी भार इन्होंने संभालना क्योंकि उन्होंने चले जाना सी संसार छड़ के पहले ही उन्होंने व्डे भाई साहब ने इन्हें अंतरयामता इन्नी दूर दी सी माता शांति स्वरूप जी तो बाद गद्दी मतलब उन्होंने दमाद महाराज करनैल सिंह जी मिली ये माता जी तो संत रूप सन ये तो बहुत उच्ची अवस्था सी लेकिन इन्होंने गद्दी नहीं ली लेकिन संतां दे संत सन ये भी और मैं उस दिन गया तो मैं की देखदा उपर बह के महाराज जी साहब कितने कहते उपर हो दरबार वह नवा हाल जरा बनया उत्थे कल्ले बैठे साइड दे ते हारमोनियम ते आनंद लुट रहे ने भजन गा रहे मैं भी नाल बैठा मैं वो याद आ गया अपने तान सेन जी की गल तान सेन इन्ना सुंदर गाते होंगे सी कि जेडे के राजा अकबर ने कहा एक बार कहना तान सेन मैं तो फिदा हो गया तेरी आवाज तो तेरी गायकी तो कमाल है तेरा तू इन्ना सुंदर है ते तेरा तेरा जेड़ा तेरा कौन टीचर है तेन किन्ने सिखाया है वो कहता है जी स्वामी हरिदास जी महाराज हरिदास जी महाराज कहना अच्छा हरिदास जी महाराज ने फिर उन्होंने बुलाओ इतने कि मैं उन्होंने सुनना चाहना महाराज अकबर बादशाह कहना उन्होंने इतने नहीं आना जो तुम सुना तो तुम उ जाना पैना है उन्होंने अगर शर्फिया के करके पैसे के करके नहीं गाँव और रब की उसत गाँवे ने उत्थे उन्होंने छुप छुप के झाड़ियों चो सुन के सवेरे तीन बजे उठ के अपना यमुना के किनारे जे गा रहे सी ते वो उत्थे उन्होंने सुनिया तो हजारों हजार रौला अकबर की अखा च पाने कहना तेरी तो इन्होंने सामने एक परसेंट भी नहीं आई कहना मैं तुहाडे पैसे वास्ते गाना ये रब न खुश करने वास्ते गाना मैं तुहानू खुश करने वास्ते गाना फर्क तो होएगा ही मेरा तो उन्होंने की भाव है तो मैं वो ही गल याद आई है कल बैठ के उत्थे गा रहे जीवन हुण चल रहा उत्थे जाके आशीर्वाद प्राप्त करो मौके मौके ते जदों भी जाओ दरबार नंदा जो ताम दरबार लांबड़ा साहब में जाके उत्थे इन्नी नम्रता है आपदे आप सेवक दसदे ने उत्थों दे ये जेड़े ने महाराज जी साहब हमेशा सारे ही इस तरह दसदे और पिता संत राम जी ने तो अंत कर दिता मैं तुहानू वीडियो भी टली है जिहदा जिक्र हुणे हरभजन सिंह जी ने भी कीता सी कि एक इट दिखाई उन्होंने मैं तो देखी पहली बारी उत्ते उत्ते लिखा है एस आर संत राम दे बिल्कुल बिल्कुल पिता संत राम जी महाराज ने आपदे उत्थे रखी हुई सी इट जिथों की संगतां ने अंदर जाना हुंदा सी छोटा जिहा कमरा जिहा थले वाला ना उदों वो सी ते वो विच वड़न लगा पहले आपदे कहिंदे मेरे उत्ते पैर रख के ये संतां देखो इस अजकल सारे आपकी जय जयकार करा मतलब के अजकल सारे नहीं मैं कहता बहुत सुंदर सुंदर संत भी ने लेकिन ज्यादातर आपकी जय जयकार करा का मतलब मन होता है सारे फेम नेम सब नु चाहिए होता है लेकिन ऐसे पूर्ण संत साढ़े बड़े बड़े भागी हैं असि सारे कि ऐसे ऐसे संत आपको मतलब मिले ने ऐसे दरबार मिले ने जिथे कहने भी मेरे नाम के उत्ते पैर रख के संत जाए संतां दी पैर जिवें कहने ना के अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे नानक जी जिस तरह कह गए ने ना गुरु अर्जन अर्जुन देव जी महाराज फरमा गए ने मैनू ये महाराज कृपा कर मैं संतां दी धूड़ बना ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ ਸੀਗੀ
पिता संत राम जी महाराज ने। और जिस तरह यह दसिया ना जी तुहानू भी माता जी ने कहा भी आज दर्शन कर लो, उन्हें खड़ावा की आवाज आई ने, सरला मासी ने उन्हें बयान किया है, उन्होंने आपदा दसिया उन्होंने। तो इस तरह मेरे पिता जी ने पिता संत राम जी महाराज, क्योंकि एक जेड़े सी ना सरवन सिंह जी इन्होंने सेवक सीगे बापू संत राम जी महाराज ने, उन्होंने वर मिलया से उन्होंने बड़े खुश से उन्होंने उत्ते पिता संत राम जी तो उन्होंने वर मिलया है। ठीक है जदों भी तुम सू बुलाओगे, शरीर त्याग गए थे इस दुनिया तो चले गए सी, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र 32 साल की उम्र महाराज साहब चले भी गए ने, या 36 साल, माफ कर रहा मैं पूरा पता नहीं याद नहीं करता, 32 गए ने या 36 साल उम्र गए। उन्होंने और इनी बाणी और इन रचनावां इन्हें ग्रंथ लिख के चले गए ने, 16 जन्मा ऋषि सी ओम जी ने जिन्हें तो सारे पता है। उन्होंने सरवन सिंह जी दिता सीगा, तो मेरे पिता जी के मन च एक दिन आई कहते माता राम माता शांति स्वरूप जी महाराज कह लगे माता जी मेरा ही मन करता है जी सानू एहसास हो जाएगा एटलीस्ट उन्होंने को भी सानू ही दर्शन करा देंगे एहसास करा देने एटलीस्ट। तो फिर वो जो उपर बैठे उन्होंने बुला लिया सरवन सिंह जी क्विकली दसदा उन्होंने मंजा साहब के सामने खड़ के पिता संत राम जी महाराज को याद किया सरवन सिंह जी मेरे मेरे दादा जी के भाई साहब मल दीवान चंद जी सी मेरे पिता श्री माता शांति स्वरूप जी तो सरवन सिंह जी चार जने खड़े अरदास की उन्हें सरवन सिंह जी ने कहने माता महाराज जी दर्शन दो आशीर्वाद दो। उन्होंने फिर इस तरह किया कि पिता जी दसते ने साडे कि इस तरह आया जिम्मे हजारों फुलों की खुशबू हवा आई बड़ी सुंदर झोंका आया इस तरह लग्या भी जिम्मे आ गए महाराज। माता शांति स्वरूप जी ने पूछा कहते भी सरवन सिंह जी महाराज जी आ गए कहते हाँ जी आ गए कहते कितने खड़े ने कहते कुंदन लाल जी के सिर के उत्ते भाई साहब भाई कुंदन लाल जी के सिर के उत्ते हाथ रख के खड़े ने। वाह वाह बस फिर पिता जी का तो आनंद ही हो गया भाव भी भोर हो गए और साढ़े भी किस्मत देखो कैसी पिता जी के सिर उत्ते हाथ रखे पवित्र आत्मा संत लोगों को पता होंगे भी कि भाव ना आता है कितने की है। वो बाद दे दस्या भी कहते भी साढ़े मल दीवान चंद जी चाचा अमीर चंद जी आ रहे ना कदे कदे अपने सत्संग से भी फिर उन्होंने कहा भी मैं बड़ा पुराना मैं सेवक हाँ तो हूं ये बच्चे के उत्ते आया तब क्योंकि माता जी ने कहा उस तो बाद भी एक अद्धे दिन बाद कहते भी असं हूं यंग हो गया असं चलते हाँ मल दीवान चंद जी रुके नहीं सी माता जी ने कह दबा भी तो पिता जी क्या पिता जी कहने माता जी जिन्हें दिन तुम कहो रुका। सो यह कहते देखो ये फर्क होता कहना संतान की गल टाल दे नहीं ना पिता जी अटल वो कहते पत्थर लकीर हो गया जो संतान ने कहता जिथे दरबार से जाना जिन्हें संत कह उस दौरान तो इस करके कहना फिर इन्हें ज्यादा दयाल होंगे ने संत जेड़ा बच्चे सारे ही अच्छे लगते हैं पिता माता लेकिन जो ज्यादा आज्ञाकारी होंगे ज्यादा प्यार दिखा ज्यादा गले मिलता ज्यादा चरनी पैदा वो फिर ज्यादा प्यारा लगता है। तो इस करके आप जिन्ना हो सके संतान प्यार करिए सतगुरान प्यार करिए याद तो बड़ी आदि माता जी लेकिन मैं फिर भी चाहना खुश होकर याद करिए माता राम जी महाराज बड़ा कहते मैं एक दिन क्या माता जी इतने आके माता राम जी महाराज मैं माता जी मैं आके इतने आके बड़ा मन लगता है बड़ा मन खिचा पैदा भी इतने नेड़े ही पहुंचते भी नंदा जो लांबड़ा साहब ले आने मन दे बड़ी प्रफुल्लित हो जाता मन भी बड़ा आनंद है इतने बड़ा तप होया कहते वो तो ठीक है बेटा जी लेकिन थोड़ा इतने दोहरा रिश्ता है एक तो तुम इतों के सेवक हो एक तुम कहते भी साढ़े भतीजे हो भी मेरे भरा के तुम बेटे हो गए इतने माता शांति स्वरूप जी जिम्मे सरला वासियों दसिया ना तो आपकी नूह समझते थे मेरे माता जी ने बेटा समझते सी पिता श्री मेरे पिता श्री वाह उधरों की बापू शरदा राम जी आपकी बेटी कहते तुम्हें पता ही है मेरे सरला मासी प्रेम मासी राज मासी के नाल मेरे माता जी वो कहते चारों साड़िया धर्म की बेटिया ने द्वारका नाथ तेरिया करम की बेटी। सो इधरों बापू शरदा राम जी महाराज मेरी माता जी आदि बेटी मनते इधरों मेरे माता शांति स्वरूप जी महाराज मेरे पिता श्री बेटा मानते ऐसे करके असं तर जाना है वो कहने एक ही गुला तर जानी है जेडे है मासी जी
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਪੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੀ ਕੁਲਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਲਾ ਤਾਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰੁਕੋ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਧਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਸਲਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਯੰਗ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ 5-4 ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 4-5 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ 5-7 ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਤਪਸਵੀ ਦੀ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਨਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਲੇਕਿਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਦੀਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨੈਣ ਪਿਆਸੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਪਿਆਸੇ ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਦਿਲ ਦਾ ਆਸਨ ਕਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਸਨ ਕਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆਨ ਬਿਰਾਜੋ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰਹਾ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰਹਾ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਔਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਬਾਬੂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ
एक दिन उन्होंने गंगा जान का मन किया भी महाराज जी उत्थे होंदा है जेड़ा जेड़ा 12 साल बाद जेड़ा होंदा है कुंभ का मेला। महाराज जी मेरा मन कर रहा है जाने के गंगा नहाना ना कहना अखा बंद करो। अखा बंद कितिया तो गंगा नहा रहे ने संतान साहब दर्शन हो रहे हैं तो गिले ने जिस वेले अखा खोलिया कहना महाराज जी आप गए सी राम सिंह जी कहने सेवक बाबू ठाकुर जी महाराज कहते आप गए सी उ कि गंगा इतने आई सी कहते इन्ह गलों छो तुम नहा रहे गंगा बस इस कपड़े आपके सुभा लो एनी शक्ति दे मालक। वो कहते महाराज नहीं नहीं दसो वो कहते नहीं गंगा इतने आई सी बेटा असी नहीं गए सी गंगा कहते गंगा इतने आई सी तो हम समा कितने गई कहते अखू दे समा गई। ये गल उन्होंने घर दसी आपदे तो भरा ने मजाक झाड़ दिता कहते इधर गला ना कर मैं नहीं विश्वास करता एना ही तेरे गुरु पूरन है बाबू ठाकुर जी महाराज जी तरीक कर रहा है मेरी गंगा मैं गया पिछले साल उ हरिद्वार मेरी गड़वी सी ना मेरा नाम लिखा वो मेरी गुम हो गई सी मैं गंगा ए समाई ना मेरी लभ के दे ते महाराज नू आके उन्हें दस्या महाराज जी इस तरह मैं देखो मैं मेहने मार दी देखो की कर वो कहना उन्होंने बुला लिया भरा उनको भी आ दे आके इतो गंगा जी चो लै ले खूह दे विचों आप ही गड़वी गड़ गए उन्होंने एक दो बारी बाल्टी सीटी आ गए तो चरनी पै गया फिर मतलब एनी शक्ति दे मालक वाह वाह जय हो बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा आई जय पिता संत राम जी महाराज आपकी सदा आई जय वाह 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 एनी मत अंतरयामता वाह 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 जय जयकार एनी मिठास है ना वाह 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 के बाजों गुरां दे आराम नावे जिंद रोवे जिंदड़ी निमाणी औखी उमरा बितानी रोवे जिंदड़ी निमाणी औखी उमरा बितानी अग गुरां दे विछोड़े दी जलावे जिंद नू पाजो गुरां दे आराम ना आवे जिंद नू। वाह जी वाह ऐसी ऐसा जीवन ऐसा सुंदर जीवन बताया जिन्होंने कि कोई हिसाब नहीं उन्हां दा। हुण आपां करदे मैं बाकी सारयां दी आपां हाजरी लगवाणे आ एक जेड़ा मैं उत्थे उन्होंने जेड़े अंतम अरदास ते मैं उत्थे पढ़िया सी फिर उन्होंने तो सारे रस्ते देखो असी जब हरिद्वार भी गए तो सारे रस्ते बस दे विच कीर्तन इन्हां दा इत्थे रहना इत्थे आना संसार दे विच जाना सारा ही सफल है बड़ा ही कमाल दी इन्हां दी जर्नी रहिंदी है संतां साधुआं दी। ओ आपां के आपां एक एक हाजरी लगा दो कोटी-कोटी प्रणाम है एक बाकी पढ़ांगे छटके सानू चले गए तुसी माता राम जी सुना करके चले गए तुसी लांबड़ा धाम जी छड़ के सानू चले गए तुसी माता राम जी सुना करके चले गए तुसी लांबड़ा धाम जी पिता संत राम माता शांति स्वरूप जी शांति स्वरूप जी पिता संत राम माता शांति स्वरूप जी चोला सी इंसानी परसन दोनों ही रब रूप जी दोहा संता दी संता दोहा संता दी संता
मेरे माता राम जी सुना करके चले गए तुसी लांबड़ा धाम जी। सहनशीलता ते त्याग दी मूरत जी, प्यार दी मूरत जी, ज्ञान दे सागर सी तुसी, तुहाडी रूहानी है सूरत जी। कीता तप बड़ा महान, कीता तप बड़ा महान, तुसी माता राम जी सुना करके चले गए तुसी लांबड़ा धाम जी। दादा संत, पिता संत, माता जी भी संत सन, माता जी भी संत सन, पति देव भी संत, तुहाडे बेटा जी भी संत हन। माय गॉड, दादा पिता ठाकुर जी महाराज संत, पिता संत राम जी महाराज पिताजी संत, माता शांति स्वरूप जी महाराज माता जी संत, पति देव बापू करनैल सिंह जी महाराज संत, बेटा जी बापू अमरजीत सिंह जी महाराज संत। वाह वाह वाह। दादा संत, पिता संत, माता जी भी संत सन, माता जी भी संत सन, पति देव भी संत, तुहाडे बेटा जी भी संत हन। संत समाज दी शान, संत समाज दी शान, तुसी माता राम जी। ओ संत समाज दी शान मैं क्यों कह रहा, संत कहते भी संत के सतगुर पास बैठ मिले मन को विश्राम। ये जेडे सच्चे सतगुर सच्चे संत होंगे ना, मन एकदम शांत, पास बैठ तेरे मिले संतोष जी, हिरदा हो जाए कुंदन मिल रहे ना कोई दोष जी। ओम ओम बोले रोम रोम मेरा, मैं पल पल वेखदा रहा, श्रद्धा राम बापू तेरा नूरी चेहरा, मैं पल पल वेख। इसे तरह की शांति इतने मिलती इन्हों संतों के नाल। मैं एवं नहीं कह रहा संत समाज की शान है, जिन्होंने को बैठ के सारा संसार खुल के निरंकार की याद आवे, एक तरह का मन जुड़ जाए प्रभु के नाल, ये है संतों का असली पछाण। इथे दरबार लामड़ा साहब अपने दरबार नंदा चौंक सहारनपुर जलंधर दरबार दुरंगला उच्चा पिंड इधर दरबार जेडे बूढ़पुर सारे दरबार टक्का साहब इथे जाने एकदम मन शांत सहायता आ जाती है। माता जी दे चरणां याद अरदास करांगे सारी संगत नो। मेरे माता जी प्यारे, माता जी अपनी प्यारी संगत नो भुल न जाना, भुल न जाना। प्यारे माता जी अपनी प्यारी संगत नो भुल न जाना, सचखंड बैठ के संगत ते रहमत दा मी वरसान, स्वीकार करो परना, सारी संगत दा परना। मेरे आम जी सुना करके चले गए तुसी लांबड़ा धाम जी,
छड़ के सानू चले गए तुसी माता राम जी, सोना करके चले गए तुसी लांबड़ा धाम जी, सोना करके चले गए तुसी लांबड़ा धाम जी, सोना करके चले गए संगत दा जहान जी। जय हो मेरे माता राम जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। ओम बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम पिता संत राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू करनैल सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। माता शांति स्वरूप जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम माता राम प्यारी जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा आई। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा आई। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा आई है। परमस बापू ठाकुर जी महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम। और आप जी दी सारी सुगंधित वाटिका दे सुगंधित संत जना सारे संता महात्मा कोटि कोटि प्रणाम। सारे दरबारा ते सुशोभित जो संत जाने महाराज सब नु कोटि कोटि प्रणाम। सारे दरबारा ते कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत की तरफों ये अरदास है महाराज। सारे संत जन जेड़े हम विराजमान ने सारी दरबारा के उपर सब भी दीर्घायु करना, सब भी महाराज सब स्वस्थ रखना, ताकि सारे आशीर्वाद साढ़े सारे संगत के सिर ते बनया रहे महाराज। असि मौजा लुटते रहिए उन्होंने आशीर्वाद उन्होंने छतर छाया थले। सारे आनंद मानिए जरो दरबारा ते जाइए, जय जयकार करते रहिए। और सारी संगत मां बापू अमरजीत सिंह जी महाराज आज दे समागम दा तुहानू देखो ये संतां दा कहंदे ना कि संत मोए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापरे जो घाटों घाट बिकाए। ये इन्हां नू महाराज इन्हां दा जिहड़े ये उन्हां दा जीवन जिहड़ा ना उन्हूं सैलीब्रेट कर सकदे हां असीं। समागम होया उस गल दी महाराज जी साहब बापू अमरजीत सिंह जी महाराज आप दे चरणा प्रणाम। सारी संगत का बधाई है। और असि जी संगत नहीं पहुंच सके उन्होंने हाजरी कबूल करना जूम सत्संग थ्रू अस हाजरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं महाराज। कृपा 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 बनाई रखना। और सानू भी प्रेमा भगती जो तुहाडा प्रेम है महाराज वाह वाह बलिहार जाइए बलिहार। सानू भी थोड़ा जा प्रेम। मैं जदों बापू ठाकुर जी महाराज के दर्शन करदा उपर रामदास साहब जाके सिर्फ प्रेम मंगदा महाराज गुरु प्रेम। जो तुहाडा गुरु प्रेम बापू नंदा चोर वाले ओम जी वास्ते गर्म गर्म खीर बना दे सारे रस्ते बंदी जांदी सी सिर दे उत्ते लै के बठल बठल दे विच अग रख के फिर उत्ते दुध पतीले दुध पा के खंड चावल पा के ते नाल रिझदी जानी कहिंदे मैं गर्म गर्म खीर पावां आपदे गुरु। सानू भी महाराज प्रेम बख्शो प्रेमा भक्ति बख्शो। उथों दरबार लांबड़ा साहब तो सारे दरबारा तो यही मंगना चाहिए महाराज प्रेमा भक्ति बख्शो। उठो जागो उठो प्रेमा भक्ति की लोड़। जय जयकार मेरे बापू शरदा राम तेरी जय जयकार। तुसी ये चलाया जेड़ा सत्संग चलता रहे महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माता राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। माता जी वी लव यू वी मिस यू। जय जयकार।